काजमी साहब के साथ 2007 में, आपका क्या सर कसूर था? अहमद सईद काजमी साहब को तो ठीक है, इनका हज स्कैंडल था, लेकिन आपका क्या कसूर था इस सारे सिलसिले में? ये मुझे एजाज दिया गया है जी, उन हाजियों की दुआओं का एजाज है, ये मुल्क का एजाज है, और ये मेरे वो जिंदगी के वो असूल हैं बहसियत पाकिस्तानी शहरी के, जिन पे मैंने कभी जो है कंप्रोमाइज नहीं किया, ये उसका एजाज है, खुदा का फजल है। और मैंने जैसे सुना, मैंने दो रिकात दफे शुक्राना जो है ये पढ़े। तो अब आप दोबारा वफाकी वजीर नहीं बनेंगे? तारीख जो है लिख चुकी है, तारीख अल्लाह के फजल से रकम हो चुकी है, और इसका सेहरा मेरे परवरदिगार ने मुझ जैसे आजिज शख्स को दिया। साहब, अगर आपने एक अच्छा काम किया है तो आपको तो वफाकी वजीर रहना चाहिए था, वजीर साहब ने आपको क्यों फर्क कर दिया, मेरा ये सवाल है। इसलिए कि ताकि करप्शन की हौसला अफजाई हो सके सर, और जो आदमी जो है करप्शन के खिलाफ बोलेगा तो फिर उसको जहरे के हुकूमत से अलग करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी खुशायंद बात है। मैं तो मौलाना फजल रहमान साहब को और अपने कायदीन उलमा इस्लाम के मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने असूलों का साथ दिया और बिल्कुल वाजे तौर पर बता दिया कि हम हुकूमत कैसा नहीं होंगे। अच्छा सवाई साहब, ये बताइए कि अगर मौलाना फजलुर रहमान कल मान गए हुकूमत की, और क्योंकि दो शरायत उन्होंने पेश कर दी, एक तो उन्होंने ये कहा है कि माफी मांग के आदम स्वाति साहब को वापस दो, कि वो जो सोरो साहब हैं वो है चपरासी कदर का मशीर नहीं है, और मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेचर को और कयूम सोरो के स्टेचर को जरा थोड़ा सा ख्याल रखना। ये सारी बात गलत है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मौलाना फजल रहमान साहब से बात हुई है, उसने कहा कि हमने असूलों के ऊपर हुकूमत से अलग हुए हैं और अपने इस अंश पे इंशाल्लाह ताला हमेशा। अच्छा ये बताइए कि अगर कल को आपको वापस वजारत में ले लिया जाता है, देखे ना आप कबूल कर लेंगे नहीं प्रोग्राम आपके, मैं आपको पता है कि आपका मजा हूँ, ठीक है, आपको ये मालूम है कि करप्शन के लिए आपकी जंग, आप उस इस जंग के जिहाद के सिपा सला रहे हैं, और आपको मुझे कई मरतबा जो है आप वजारत कबूल तो नहीं करेंगे दोबारा? आज वक्त है क्या सराई करें, आज वक्त है हिम्मत का, उनको दाद देने का, और अल्लाह ताला के सामने शुक्रिया अदा करने का कि करप्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट इदारत उजमा ने जो इतना बड़ा कदम उठाया वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, हम तस्लीम करते हैं कि बहुत बड़ा एकदम है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नई तारीख बनी है कि दो वज़रा को वज़ीर आज़म ने फारिग कर दिया सिर्फ एक लड़ाई की वजह से या करप्शन के केसेस की वजह से। मुझे सिंपल ये बात बताइए कि अगर आपको दोबारा ऑफर होगी इसी वजारत की तो आप कबूल कर लेंगे या आप रिजेक्ट कर देंगे? सर देखें, मैंने पहले भी जो वजारत की है वो असूलों की है। एक मुझे वजीर बताए 63 साल की जिंदगी के अंदर की जिसकी बेसिक तनख्वाह जो है गरीब मस्किनों के उसके लिए जो है तालीम के लिए जा रही है, जिसका न कोई खानसामा है ना जो है उसका ड्राइवर है। मेरा सवाल कितना आसान है, मेरा सवाल कितना आसान है कि आपको अगर ये दोबारा ऑफर हो जाए तो आप कबूल कर लेंगे? ये आप, ये मेरा ख्याल है कि जो सवाल है ना बाल बार उसकी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये अहम है कि अब हमने इस मुल्क के अंदर कैसी सियासत करनी है और कैसी हुकूमत बनानी है, वो ज्यादा मेरा हाल है कि ज्यादा। अच्छा मैं ना मैं आप हमसे काजमी साहब को आपके साथ लूंगा, लेकिन कैप्टन सफदर साहब की बात सुनिएगा, लाहौर में वो तशरीफ रखते हैं। कैप्टन साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा ये बताइए कि आजम स्वाति साहब को तो उन्होंने निकाल दिया, और आजम स्वाति साहब का ये कहना है कि इनको क्योंकि ईमानदारी की सजा मिली है, ये करप्ट हुकूमत है और करप्शन के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे जिसकी इनको सजा मिली, आप इनसे इत्तफाक करते हैं? मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि आजम स्वाति साहब और मैं आपके प्रोग्राम में बैठे हों, हम आमने सामने हों और बात करें। मैं इनके दौरे में आ करें और आखिरत में दलील करें। आजम स्वाति साहब का पहले दिन से इस वजारत के ऊपर नजरें थी, ये अपने आप को कायदे आजम सानी बनकर पेश न करें, ये बताएं कि ये जंगलात की आवाज नहीं आ रही है, कटाई में ये बराबर के शरीक हैं या नहीं? इन्होंने फ्लड के दौरान एक चेक किया जो बाउंस और इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर मानसरा के पास इनका इन पे एफआईआर। आपको आवाज आ रही है? इतने ईमानदार है तो आज अमेरिका क्यों नहीं जा रहा? बैंकों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, मुझे बताएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने कितनी बेकायदियां की हैं, मुझे ये बताएं कि ये किस प्रेशर के नीचे गए थे इलेक्शन कमिश्नर के पास और अपने भाई का नोटिफिकेशन इन्होंने करवाया था? क्या काला डाका के अंदर इन्होंने ज्यादती नहीं की? क्या काला डाका के अवाम के ऊपर इन्होंने जुल्म नहीं किया? क्या काला डाका के ऊपर इन्होंने ऑपरेशन बैरूनी मुल्कों से खतूत लिखवा कर नहीं किया?
मैं इनको सिर्फ एक शेर में बात बताता हूँ, इतनी न बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख और बंदे कवा देख, आप उस एनआरओ की हुकूमत कैसा थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ है? क्या आप जामिया हिफ्जा के कातिलों के साथ नहीं मिले? क्या आप परवेज मुशर्रफ के जिसके लिए हमारा खून बहाया गया था उसमें आपने सेनेट नहीं हासिल किया? क्या आपने इस मिनिस्ट्री के लिए करोड़ों रुपए मौलाना फजल रहमान को नहीं दिए? क्या आपने के इलेक्शन में धांधली नहीं? चीफ रखते हैं हामद सईद कादमी साहब, बरतरफ वफाकी वजीर हैं मजहबी अमूर के, आज ही वजीर अहम साहब ने इनको फारग कर दिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। कैप्टन सदर साहब लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे चौथे मेहमान टेलीफोन पर आजम सवाती साहब इस वक्त ज्यूरिख में हैं वो, और ये भी वो वफाकी वजीर हैं जिनको आज वजीर अहम साहब ने फारग कर दिया। आजम सवाती साहब अस्सलाम वालेकुम। सवाती साहब आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है जी। सवाई साहब ये बताइएगा कि आपको बरतरफ कर दिया हामद सईद कादमी साहब के साथ वजीरा साहब ने, आपका क्या कसूर था? हामद सईद कादमी साहब को तो ठीक है इनका हज स्कैंडल था, लेकिन आपका क्या कसूर था इस सारे सिलसिले में? ये मुझे एजाज दिया गया है जी, उन हाजियों की दुआओं का एजाज है, ये मुल्क का एजाज है, और ये मेरे वो जिंदगी के वो असूल हैं बहसियत पाकिस्तानी शहरी के, जिन पर मैंने कभी जो है कम्प्रोमाइज नहीं किया, ये उसका एजाज है, खुदा का फजल है। और मैंने जैसे सुना मैंने दो रिकात दफे शुक्राना जो है ये पढ़े, तो अब आप दोबारा वफाकी वजीर नहीं बनेंगे। तारीख जो है लिख चुकी है, तारीख अल्लाह के फजल से रकम हो चुकी है, और इसका सेहरा मेरे परवरदिगार ने मुझ जैसे आजिज शख्स को दिया। साहब अगर आपने एक अच्छा काम किया है तो आपको तो वफाकी वजीर रहना चाहिए था, वजीर साहब ने आपको क्यों फर्क कर दिया, मेरा ये सवाल है। इसलिए कि ताकि करप्शन की हौसलाफजाई हो सके सर, और जो आदमी जो है करप्शन के खिलाफ बोलेगा तो फिर उसको जाहिर है कि हुकूमत से अलग करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी खुशायंद बात है, मैं तो मौलाना फजल रहमान साहब को और अपने कायदीन बीतुल्लाह इस्लाम के मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने असूलों का साथ दिया और बिल्कुल वाजे तौर पर बता दिया कि हम हुकूमत कैसा नहीं होंगे। अच्छा सवाई साहब ये बताइए कि अगर मौलाना फजल रहमान कल मान गए हुकूमत की, और क्योंकि दो शराइत उन्होंने पेश कर दी, एक तो उन्होंने ये कहा है कि माफी मांग के आजम सवाती साहब को वापस दूं, कि वो जो सुमरो साहब हैं वो है चपरासी सदर का मशीर नहीं है, और मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेचर को और कयूम सुमरो के स्टेचर को जरा थोड़ा सा ख्याल रखना, ये सारी बात गलत है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मौलाना फजल रहमान साहब से बात हुई है, उसने कहा कि हमने असूलों के ऊपर हुकूमत से अलग हुए हैं और अपने इस अज़्म से इंशाल्लाह ताला हमेशा। अच्छा सर ये बताइए कि अगर कल को आपको वापस वजारत में ले लिया जाता है, देखे ना वजारत आप कबूल कर लेंगे नहीं? प्रोग्राम आपके, मैं आपको पता है कि आपका मजा हूँ, ठीक है, आपको ये मालूम है कि करप्शन के लिए आपकी जंग, आप उस इस जंग के जिहाद के सिपा सलार रहे हैं, और आपको मुझे कई मतलब आप वजारत कबूल तो नहीं करेंगे दोबारा? आज वक्त है क्या सराई करें, आज वक्त है हिम्मत का, उनको दाद देने का और अल्लाह ताला के सामने शुक्रिया अदा करने का कि करप्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट इदारत उज़्मा ने जो इतना बड़ा कदम उठाया वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, हम तस्लीम करते हैं कि बहुत बड़ा एकदम है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक नई तारीख बनी है कि दो वज़रा को वज़ीर आज़म साहब ने फारिग कर दिया सिर्फ एक लड़ाई की वजह से या करप्शन के केसेस की वजह से। मुझे सिंपल ये बात बताइए कि अगर आपको दोबारा ऑफर होगी इसी वजारत की तो आप कबूल कर लेंगे या आप रिजेक्ट कर लेंगे? सर देखें, मैंने पहले भी जो वजारत की है वो असूलों की है, एक मुझे वजीर बताए 63 साल की जिंदगी के अंदर कि जिसकी बेसिक तनख्वाह जो है गरीब मस्किनों के उसके लिए जो है तालीम के लिए जा रही है, जिसका न कोई खानसामा है ना जो है उसका ड्राइवर है। मेरा सवाल कितना आसान है, मेरा सवाल कितना आसान है कि आपको अगर ये दोबारा ऑफर हो जाए तो आप कबूल कर लेंगे? ये मेरा ख्याल है कि जो सवाल है ना बार बार उसकी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये अहम है कि अब हमने इस मुल्क के अंदर कैसी सियासत करनी है और कैसी हुकूमत बनानी है, वो ज्यादा मेरा हाल है कि वो ज्यादा। अच्छा मैं ना मैं आप हामिद सईद कादमी साहब को आपके साथ लूंगा, लेकिन कैप्टन सब्दो साहब की बात सुनिएगा, लाहौर में वो तशरीफ रखते हैं। कैप्टन साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा ये बताइए कि आजम सवाती साहब को तो उन्होंने निकाल दिया, और आजम सवाती साहब का ये कहना है कि इनको क्योंकि ईमानदारी की सजा मिली है, ये करप्ट हुकूमत है और करप्शन के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे जिसकी इनको सजा मिली, आप इनसे इत्तफाक करते हैं?
मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि आदर साथी साहब और मैं आपके प्रोग्राम में बैठे हों, हम आमने सामने हों और बात करें। मैं इनके दौरे मेयार की बात को खत्म करना चाहता हूँ। मैं आज जिन लोगों ने हज में करप्शन की है, मैं कहता हूँ खुदा उनको दुनिया में भी दलील करे और आखिर में भी दलील करे। आजम सवाथी साहब का पहले दिन से इस वजारत के ऊपर नजरें थी। ये अपने आप को कायदे आजम सानी बनकर पेश न करें, ये बताएं कि ये जंगलात की कटाई में ये बराबर के शरीक हैं या नहीं। उन्होंने फ्लड के दौरान एक चेक किया जो बाउंस हुआ और इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर मानपुरा के पास इनका इन पे एफआईआर हुई। इतने ईमानदार है तो आज अमेरिका क्यों नहीं जा रहा? बैंकों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। मुझे बताएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने कितनी बेकायदियां की हैं। मुझे ये बताएं कि ये किस प्रेशर के नीचे गए थे इलेक्शन कमिश्नर के पास और अपने भाई का नोटिफिकेशन इन्होंने करवाया था? क्या काला डाका के अंदर इन्होंने ज्यादती नहीं की? क्या काला डाका के आवाम के ऊपर इन्होंने जुल्म नहीं किया? क्या काला डाका के ऊपर इन्होंने ऑपरेशन बैरूनी मुल्कों से खतूत लिखवा कर नहीं किया? मैं इनको सिर्फ एक शेर में बात बताता हूँ। इतनी न बड़ा पाकि दामा की हकायत, दामन को जरा देख और बंदे कबा देख। आप उस एनआरओ की हुकूमत ऐसा कोर्ट ने बुलाया हुआ है, कैसे क्या आप जामिया हिज्जा के कातिलों के साथ नहीं मिले? क्या आप परवेज मुशर्रफ के इस्लाम जिसके लिए हमारा खून बहाया गया था उसमें आपने सेनेट नहीं हासिल किया? क्या आपने इस मिनिस्ट्री के लिए करोड़ों रुपए मौलाना अब्दुल रहमान को नहीं दिए? क्या आपने डेरा इस्माइल खान के इलेक्शन में दांती नहीं करवाई? आजम साथी एक बदनाम नाम है, इसका नाम बशीर अहमद था और बाद में आजम साथी रख दिया गया। आप उस काम को लेकर आए जिसके तेज इस शख्स ने अपने मंदी खाने से इस्लाम को कोई बहुत फिटा नहीं किया, हमेशा चला गया था। आप तो ब्लॉक सेक्टर में एक फोरमैन की हैसियत से काम कर रहे थे। मैं हैरान हूँ जावेद चौधरी साहब, आज वो लोग जो एक आंख से और दूसरे और एक शख्स को दोनों आंखों से अंधा है, दूसरे को वो काना कह रहे हैं, अंधा किसी को काना कहेंगे? आप इस हुकूमत में मुझे ये बताएं कि आपके भाई के पास जो प्राणो ठीक है, क्या वो राजा डाइट के राजा जगीदार ने उसको नहीं दिए? आज तक जितने फंड लगे हैं जायंट त्रिपोटा पाकिस्तान में, वो त्रिपोटा पाकिस्तान को मोटो एक्शन दे। आपने बतौर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लूट दिया। अच्छा आप एक रुकिए बैठ के बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हज में करप्शन वालों को टांग दें, मगर आप नहीं कह सकते आपका दामन दामदार है। आपने आप ये कह देते कि ये एनआरओ का आप हामिद शेख काजी साहब की तरफ जाना। मैं हामिद शेख काजी साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ जो सलूक हुआ आप इसको डिजर्व करते हैं? हामिद शेख काजी साहब देखिए, गुजारिश है, मैं अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कदम उठाया है वो एक डिसिप्लिन के तहत, मैं हज पे हूं, वहां पर मुझे पता चलता है कि आजम सवाती साहब मेरे खिलाफ इल्जाम लगा देते हैं और मैं प्राइम मिनिस्टर को फोन करता हूं कि जनाब कैबिनेट का एक मेंबर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मैं क्या करूं? उनका जी आप मीडिया से बात ना करें। मैंने कहा जी मैं बात नहीं करूंगा तो कहेंगे कि जी फिर आपके पास जवाब ही नहीं है, इल्जाम दुरुस्त है। उनका नहीं, आप मीडिया को ये कह दें मेरे ऊपर।